बेटा, काले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना अशुभ होता है। वैसे भी ये पूजा तुमने अपने पति के लिए रखा हुआ है। चिता, तुम सबको ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वाह, मैंने जितना सोचा था ये अनोखी शक्ति तो उससे भी बड़ा तमाशा कर रही है। काले कपड़े, काली चूड़ियां, काला श्रृंगार, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो पूजा के सारे नियम पता है ना, फिर ऐसी गलती कैसे हुई तुमसे? चलो चलो, अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चल। जो चिता दादी जो कह रही है वो करो। अब होगा मेरा मां। अब देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। रुचिता, हे भगवान, ये खिड़की कैसे खुल गई? धूप के अंदर आते ही रुचिता के शरीर से काला साया बाहर आ जाएगा। ये मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने काले कपड़े क्यों पहने? मुझे नहीं पता दादी जी, मैंने तो आपकी दी हुई लाल साड़ी पहनी थी, है ना निहार जी? हाँ, मैं भी वही सोच के हैरान हूँ। तुम ठीक तो हो ना रुचिता? अरे बिल्कुल ठीक है ये रुचिता, तभी तो अपनी मनमानी कर रही है। नहीं माँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, ये काली चूड़ियां कब पहनी मैंने? जजमान माफ कीजिएगा, मुहूर्त बीचा जा रहा है। वैसे भी आपकी बहू ने काले वस्त्र पहनकर इस पूजा को भंग कर दिया है, अब ये पूजा नहीं हो सकती है। नहीं पंडित जी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रुचिता तुम एक काम करो, तुम जल्दी से दादी जी की साड़ी ना ऊपर से ही ओढ़ के आ जाओ। मालकिन, छोटी भाभी जी के कमरे से जलने की बदबू आ रही थी, जाकर देखा तो ये साड़ी जल रही थी। अगर ये साड़ी तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे कह दिया होता, इसे जलाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं नहीं दादी जी, मैंने नहीं जलाई ये साड़ी, मैं तो रूम में। तुमने नहीं जलाया तो क्या तुम्हारे भूत ने जलाया है? हम सब तो यहाँ नीचे थे, तुम ही थी ऊपर अपने कमरे में, यही सब तो कर रही थी, इसीलिए इतनी देर हुई पूजा में आने के लिए। पूरी पूजा अशुभ कर दी। नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। निहार जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा रुचिता। माफ कीजिए जजमान, हमें आप अनुमति दीजिए, मुझे और भी एक जगह पूजा करने जाना है। पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पंडित जी प्लीज, ऐसे पूजा अधूरी छोड़ के मत जाइए। ये पूजा मैंने अपने सुहाग के लिए रखी थी। पंडित जी प्लीज, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। मुहूर्त सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं अभी आई। पंडित जी, माता रानी की चुनरी से ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है? और इसे तो हम किसी भी कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं, अब तो हम पूजा कर सकते हैं। लाल चुनरी से क्या फायदा, नीचे तो काले कपड़े ही है ना। माता रानी की चुनरी तो काले मन का व्यक्ति भी ओढ़ करके पूजा में बैठ जाए
तो उसका मन भी निर्मल हो जाता है। फिर ये तो काला वस्त्र है। अगर आपकी इतनी श्रद्धा है तो आइए पूजा शुरू करते हैं। ओम बाबा पितृ पुत्र सर्वावस्थांगतोपि वैस्मृत पुंडीकाक्ष सभाभ्यंतरः सुचि ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कृतजंबू फलसारुभक्षणम। क्या हो रहा है मेरे सर? क्यों किया मैंने ऐसा? और मुझे कुछ याद तक नहीं। तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा रुचिता, तुम तो बस ऐसे ही सोचती रह जाओगी। और मैं तुम्हें कब इस घर से और निहार की जिंदगी से अलग कर दूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस अनोखी शक्ति का खेल अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या होता है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा ये सब मैंने कब किया और क्यों किया? मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हुई और उस दर्द का कारण भी नहीं जानती मैं। मैं जानता हूं। निहार जी आप जानते हैं मैंने ये सब क्यों किया है? क्यों? कल हम जो हॉरर मूवी देखकर आए थे मुझे लगता है उसका भूत चला गया तुम्हारे अंदर, जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुचिता सीरियसली मैंने कहा और तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर भूत आ गया? यहाँ आज यहाँ टेंशन से मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। रुचिता ये साड़ी। तुम बैठो, बैठो। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कभी कभी थकान की वजह से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और बेख्याली में हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें खुद याद नहीं रहते। हो सकता तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। नहीं निहार जी मैं रुचिता चिल, पूजा खत्म हो गई ना तो भूल जाओ ये सब, आराम करो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो।